दोस्तों हमारे किसी एक सब्सक्राइब कहना है कि मुझे अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर डार्क मोड और लाइट मोड की सेटिंग इनेबल करनी है, ये फंक्शन एक्टिवेट करना है, तो ये मैं कैसे कर सकूं? जैसे कोई विजिटर आता है और उसे डार्क मोड में ये चीजें पढ़नी हो मेरी वर्डप्रेस साइट के अंदर, तो वो एक क्लिक पे डार्क मोड में पूरी साइट को कर सके, है ना। एंड उसको अगर लाइट मोड में पढ़ना हो तो लाइट मोड पे भी कर सके। तो कौन सा हमने प्लगइन यूज किया है, क्या है तरीका डार्क मोड या लाइट मोड फंक्शन को इनेबल करने का, कौन सा प्लगइन यूज करें, तो आज के इस वीडियो में हम आपको डार्क मोड एंड लाइट मोड सेटिंग को साइट के अंदर एक्टिवेट करना बताएंगे, जिसके द्वारा कोई विजिटर साइट के कंटेंट को डार्क मोड या लाइट मोड के अंदर पढ़ सके। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो डार्क मोड प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए एंड यूज करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग मिलेगी एंड यहां पर आपको प्लगइन ऑप्शन मिलेगा एंड यहां पर ऐड न्यू प्लगइन पर हम क्लिक करेंगे एंड यहां पर प्लगइन का सर्च बार आएगा। यहां पर प्लगइन को हम सर्च करेंगे, प्लगइन का नाम है WP डार्क मोड। तो आपको ये प्लगइन को इंस्टॉल करना है, WP डार्क मोड वर्डप्रेस डार्क मोड प्लगइन फॉर इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी डार्क थीम नाइट मोड एंड सोशल शेयरिंग, ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। तो इस प्लगइन की रेटिंग 5 स्टार के लगभग है, जो काफ़ी अच्छा प्लगइन को दर्शाता है एंड इसके अभी एक्टिव डाउनलोड 20 से 80 भी ज़्यादा है, मतलब 20 से 80 भी ज़्यादा वेबसाइट में इस प्लगइन का यूज किया गया है। लास्ट अपडेट 4 डेज पहले आया है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा प्लगइन है और यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो आप इसे फ्री और पेड दोनों वर्जन में कर सकते हैं। तो इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट कर लेते हैं प्लगइन को। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर इसकी सेटिंग आ जाएगी WP डार्क मोड की, इस सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह की सेटिंग आएगी। तो यहाँ पर आप साइट को रिफ्रेश करेंगे तो डार्क मोड का ऑप्शन आने लगेगा, ये आने लगा, ठीक है। अब इसकी हम कुछ सेटिंग पे काम करेंगे। देखिए, आपको ये बटन इनेबल रखना है, जब तक आप इनेबल नहीं रखेंगे तब तक ये फंक्शन आएगा नहीं, ठीक है। तो आप इसे इनेबल रखिए और चूज हाउ यू वांट टू यूज डार्क मोड। तो आपको यहाँ पर सेटिंग मिलेगी, डिफॉल्ट लाइट मोड, डिफॉल्ट डार्क मोड। तो यूज सिस्टम सेटिंग, यानी कि जब भी साइट विजिट करे कोई भी यूजर तो कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप चाहते हैं डिफॉल्ट यहाँ पर डार्क मोड हो तो ये डार्क मोड हो जाएगा। जैसे कि सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जब भी यूजर विजिट करेगा साइट पर तो यहाँ पर डार्क मोड आएगा। देखिए, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर डार्क मोड आने लगा, ये देखिए, है ना, क्योंकि ये डिफॉल्ट हो गया, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर खोलते हैं फिर से साइट को एंड यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर खोलेंगे, देखिए डार्क मोड आने लगा, है ना, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट डार्क मोड या डिफॉल्ट लाइट मोड को सेट कर सकते हैं। यूज सिस्टम सेटिंग, यानी कि जो भी सिस्टम की सेटिंग होगी उस हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि मैं लाइट मोड को करता हूँ, देखिए सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ एंड या रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट लाइट मोड आएगा। देखिए, दोबारा यहाँ पर साइट विजिट करता हूँ, पहले डार्क आया था, अब यहाँ पर लाइट मोड आएगा, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर यूज सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आप डार्क मोड या लाइट मोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डार्क मोड हो जाएगा, ये देखिए, है ना। तो जो भी आपको सेटिंग करनी है कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे बैक, अभी जो भी आपका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है वहाँ पर डार्क मोड की सेटिंग नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये है ब्लॉक एडिटर और यहाँ पर है इनेबल एडमिन डार्क मोड। तो एडिटर आप यूज़ करेंगे वहाँ भी डार्क मोड आना चाहिए, यहाँ भी आप करना चाहते तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर जब आप शिप चेंजेस पर क्लिक करेंगे इसी ऑप्शन आने लगेगा, जी देखिए आने लगा डार्क मोड एंड लाइट मोड, ठीक है। तो ये इनेबल करेंगे तभी अब, है ना। तो जो भी आपको सेटिंग करना है कर सकते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर कस्टमाइज पर जाएंगे, यहाँ पर स्विच सेटिंग। तो यहाँ पर देखिए अभी डार्क मोड का जो भी फंक्शन है डार्क मोड और लाइट मोड का, ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस तरह चाहना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह करना चाहें इस तरह कर सकते हैं। मैं इस तरह कर देता हूँ एंड सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे एंड या रिफ्रेश करेंगे, देखिए इस तरह आने लगा डार्क मोड एंड लाइट मोड, है ना, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इस तरह करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं एंड या रिफ्रेश करेंगे तो ये भी आप ले सकते हैं इसका आइकन, ये देखिए, है ना।
एन यहाँ पर न्यू एन यहाँ पर लॉक वाले फंक्शन आ रहे, ये प्रीमियम वर्जन वाले। जब आप इस प्लगइन का प्रीमियम वर्जन लेंगे तो इन फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, इस तरह के स्विच सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर, ठीक है। तो ये हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है, हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। एन यहाँ पर ऊपर एक फंक्शन और है, डेस्कटॉप मोबाइल टैबलेट। आप चाहते हैं पर्टिकुलर डिवाइस पर डिस्प्ले नहीं हो डार्क मोड या लाइट मोड सेटिंग इनेबल या डिसेबल करने की, तो आप इन्हें अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पर कि मोबाइल पे हो तो मोबाइल को आप सिलेक्ट करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। आप चाहते हैं टैबलेट पे हो तो टैबलेट पे टिक मार करके सेव चेंजेस क्लिक कर देंगे तो टैबलेट पे होगी, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप पर चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप पर भी इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो जिस डिवाइस पर आपको डिसेबल इनेबल करना है तो ये सेटिंग भी दी गई है, तो हम चाह रहे हैं सभी पर ये डिस्प्ले हो तो हम सभी को इनेबल कर देते हैं। अब जाते हैं कलर सेटिंग पे, तो ये प्रीमियम फंक्शन है, जब आप प्रीमियम वर्जन लेंगे तब ये फंक्शन को यूज कर पाएंगे, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इमेज सेटिंग, वीडियो सेटिंग, साइट एनिमेशन, ये सब प्रीमियम वर्जन वाले हैं। एंड या फिर साइट एनिमेशन, तो इसमें कुछ फंक्शन है जो प्रीमियम वर्जन नहीं है, फ्री में मिल जाएगा, आप इसको इनेबल कीजिए और यहाँ पर अपने हिसाब से एनिमेशन इफेक्ट डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसा आपको डालना है वैसा आप डाल सकते हैं एनिमेशन, जब भी कोई लाइट मोड या डार्क मोड करे तो किस तरह एनिमेशन आए, ठीक है। तो मैं रोल कर देता हूँ, एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए डार्क मोड में करेंगे पेजेस कैसे चेंज हो गए, देखिए ये देखिए है ना, ये देखिए है ना। जो भी एनिमेशन देना है आपको यहाँ पर स्लाइड करनी है, स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड अप डाउन करनी है यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ फेड करना है तो फेड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्लाइड राइट कर देता हूँ या डाउन कर देता हूँ, ठीक है। डाउन देखते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर अब देखिए, देखिए इस स्लाइड के ऊपर आई है ना। तो एनिमेशन इफेक्ट दे देंगे आप जब भी कोई डार्क मोड या लाइट मोड इनेबल डिसेबल करता है। एंड एडवांस में जाएंगे तो ये प्रीमियम वर्जन वाला है, कस्टम सीएसएस वगैरह कोड वगैरह आप डाल सकते हैं, एक्सलूट कर सकते हैं सेटिंग, स्विच विजिट कर सकते हैं, शॉर्ट कोड, अगर आपको शॉर्ट कोड की रिक्वायरमेंट है तो ये फ्री वर्जन में है, तो ये शॉर्ट कोड है। आप एलिमेंटर या कोई पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं वहां पर आपको शॉर्ट कोड की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कॉपी कीजिए और ये शॉर्ट कोड को आपको मिल जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिक पे जाते हैं, तो यहाँ पर एनालिटिक सिस्टम है, कितने विजिटर हैं आपके इस आइकन को यूज किया गया है तो ये विजिटर इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। डार्क मोड कितना यूज किया है, लाइट मोड जो भी है कितने टाइम, ये सारी एनालिटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग भी दी है, 1 या 30 डेज 7 डेज, ठीक। एंड टूल्स पर जाएंगे तो ये प्रीमियम फंक्शन है, और यहाँ पर अगर आपने कोई सेटिंग कर रखी है उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट किए जो भी आपने सेटिंग की वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये इम्पोर्ट किए इसमें डाल सकते हैं। आपने इस साइट के अंदर जो सेटिंग की है आप एक्सपोर्ट करेंगे और किसी साइट में आपको डालनी है तो इम्पोर्ट करके उस फाइल को डाल देंगे, जो सेटिंग आपकी इस साइट में वो सेटिंग वहाँ अप्लाई हो जाएगी। फिर रीसेट सेटिंग, अगर आप चाहते हैं पहले जैसा प्लगइन हो जाए, रीसेट हो जाए सारी सेटिंग, तो ये फंक्शन दिया गया है, तो सारी सेटिंग आपकी डिफॉल्टेड हो जाएगी जो प्लगइन के द्वारा दी जाती है, है ना। एंड सभी कुछ कन्फर्म होने के बाद आपको सेव चेंजेस जरूर करते रहना है। तो इस तरीके से आप डार्क मोड लाइट मोड सेटिंग इनेबल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर एक क्लिक में, है ना, डार्क मोड प्लगइन के द्वारा। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।